स्वागत है गाइस आपका हमारे चैनल पे। मैं उकास सिंह और भाई आज हम लोग अपने सारे जो हेटर्स हैं ना, जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कहीं ना कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हम कमज़ोर है, वो है, ये है, हम उन सब को एक छोटे से वीडियो में लपेटेंगे। तो भाई सबसे पहला जो हमारा शिकार था वो ऑब्वियसली हमारे सबसे बड़ा हेटर ही है, और रेंडम हेटर, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है या फिर हो भी तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है नींबू। और ये सच बता रहा हूँ, ये बंदा इतना अजीब है ना, लिटरली इसका नाम इसीलिए हमने नींबू रखा है, मतलब मेरे को पता नहीं है इसका फंक्शन क्या है और किस काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये बंदा। अपने अकाउंट से कुछ होना नहीं है, दूसरे के अकाउंट भीख मांगना, फिर दूसरों को खुद वही बोलना है जो खुद हो, मतलब अगर खुद चोरी में पकड़े गए तो दूसरों को भी चोर बोलो, तो ये सब इनका चलता रहता है। अभी मैं इसके अगेंस्ट हूँ वर्ल्ड में और मैं स्टील टीम के साथ उतरा था। मैं बहुत दिन से ये चाहता भी था कि एक बार स्टील टीम से आमने सामना हो, फेयर होगा नहीं, क्यों सामने उधर ग्राउडन है और यहाँ पे एक भी स्टील टाइप, मतलब एक भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो फायर टाइप पोकेमॉन हैंडल कर पाए, पर इसका जो फायर टाइप पोकेमॉन है ना वो उसमें इतना बूढ़ा नहीं है कि वो कुछ कर पाए। तो मैं जल्दी दिखाता हूँ, एक मिनट में स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। मेरा जो स्टीलिंग्स है फिलहाल इस टीम में सबसे ज़्यादा डिफेंस होल्ड करता है, एक्चुअली मेरे पूरे टीम में जितने भी पोकेमॉन है सब में सबसे ज़्यादा डिफेंस होल्ड करता है, और मजाक नहीं है भाई, इसे रोकना या फिर ठोकना ये बहुत खतरनाक है। मैं एक बार फिशर मारता हूँ, जीमूव नहीं क्योंकि जीमूव इस पर वेस्ट करने ज़रूरत नहीं होगा, तो ये मैंने फिशर मारा, मिस हो गया, और ये एक फायर टाइप मूव पड़ा और ग्राउडन का डेसोल लैंड के साथ बहुत ज़्यादा डैमेज देना चाहिए था, पर कुछ नहीं। मैं जल्दी से पोकेमॉन चेंज करता हूँ, मेरे को अंदाजा लग गया है पोकेमॉन चेंज किया जाएगा, और गेंगार आएगा, उसे लगेगा मैं रेस्ट लगा लूँगा और वो जल्दी से गेंगार लेगा, ट्रैप कर लेगा, कर्स लगा देगा। भाई इतना आसान तो नहीं है भाई, क्या मतलब बेटा इतना आसान नहीं है, मैं अब तो बता रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, नॉक ऑफ लगाता हूँ, मेरे वहाँ पर लिया कि पोकेमॉन चेंज ही किया जाएगा, और ये हाथ में आया मोबाइल, इसका नाम क्या रखा है, हिनाटा, ठीक है यार, मतलब इतना गंदा नाम रख दिया, लिटरली मतलब लॉजिक के हिसाब से नहीं है। अगर मैं होता ना, मैंने भी नरूटो देखा हुआ है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नरूटो का, पर हिनाटा कहीं भी सूट नहीं करता। मैं अपने रखने वाला हूँ अपने पोकेमॉन्स का नाम। अब मैं सोच रहा था मैं नारुतो पे रखूँ, क्योंकि मेरे वीआईपी जीरो मैंने ड्रैगन बॉल्स ही पे रखा है, और वीआईपी जीरो में नारुतो पे रखना चाहता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा जो नाम रखूंगा ना उसके ऊपर टोटल कंटेनर बनाऊंगा, पूरा लॉजिकली हिसाब से रखूंगा। अभी मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि पोकेमॉन चेंज होगा, तो जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ, शॉर्ट डांस करेंगे, आराम से मार देंगे। पर हम पे पड़ा जीमूव और यहाँ हमें ज़्यादा डैमेज तो नहीं पड़ा, मतलब ठीक ठाक ही पड़ा है। अब अटैक प्लस टू के साथ जितना लेना चाहिए था मैंने तो लिया, पर ऊपर से बर्न भी था तो उसमें ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाएगा, ऊपर से पूरा जो एचपी सेटअप है उसका और अटैक कहीं नहीं है। मैंने जल्दी से गेंगार भेजा, उसको लगा होगा मैं जीमूव मारूंगा, उस नोटिस लेके आएगा, मैंने भाप लिया था, स्टेलर्स को भापना हमें बहुत अच्छे से आता है। अब ये हमने नॉक ऑफ लगाया, अब आराम से इसे बर्न डाल देंगे, पर रेस्ट लगा लेता हूँ, और क्या है ना, क्या पता क्रिटिकल हिट पड़ जाए, और मेरे को क्रिटिकल हिट से बहुत प्रॉब्लम है, जीतते हुए मैचेस हार जाता हूँ क्रिटिकल हिट की वजह से, और मेरे मूव्स काफ़ी मिस हो रहे हैं आजकल। मैंने हाल ही में नोटिस किया है, एक हफ्ता हुआ शायद, मेरे आधे से ज़्यादा मूव्स, बहुत ज़्यादा मूव्स मिस हो रहे हैं, खासकर मेरे मोबाइल के, और कई बैटल्स में मतलब जीतते जीतते बैटल्स हार जाता हूँ जस्ट बिकॉज रॉक टू मिस हो जाता है, कभी प्लेयर अप मिस हो जाता है, तो उस चीज़ के चलते मैं आजकल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ अपने पोकेमॉन से, एक्चुअली पोकेमॉन से नहीं, गेम से। मेरे को ऐसा लग रहा है गेम साजे से रच रहा है हमें हराने की। हाँ आजकल मैं थोड़ा कम खेल रहा हूँ मॉन्स्टर अगेन, वर्ल्ड भी मेरा कम खेला हूँ, अभी तक मेरे 2.5 के पॉइंट्स भी नहीं हुए। मैं ज़्यादातर पोकेमॉन यूनाइट खेल रहा हूँ क्योंकि मैंने फिर से इंस्टॉल किया, मास्टर एक मेरे को फिर से पहुँच रहा है, और मैं रेंडम्स में खेलता रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उसमें, तो फिर भी चल जाता है, मतलब मज़ा आता है मेरे को कभी कभार। स्नोटलैक्स डेड है, और स्टेलर्स की जो स्टेलिंग के लिए जो तुम्हारा एक लौता नहीं पूरा टीम तो स्टेल है भाई, मैं तो भूल गया, तो बच्चे का जो स्टेल का टूल था वो ख़त्म हो गया। अब मैं आराम से मोबाइल का जीमू लगा सकता हूँ, जिसको भी पड़ेगा तगड़ा डैमेज लेगा, पर मैं उसे बचा के रहूँगा, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं जल्दी से स्पाइक्स डालता हूँ, इतना भरोसा है कि मेरा पोर्ट्रेट इसके गेंगार से तेज़ होगा, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। अगर आपको लगा क्विक क्लो का फंक्शन हुआ है तो फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये हम पे पड़ा कर्स, ठीक है, एक और बार मैं स्पाइक्स डाल के दिखाता हूँ। स्लैथरॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्टील टाइप पोकेमॉन्स है और उस पर डैमेज भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा रॉक टाइप मूव से, इसीलिए स्पाइक्स डाल दिया। अब मैं जीमू मार रहा हूँ, ऐसे भी कर्ज से खत्म हो जाना था, ऐसे भी काउंटर आना है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं, कर्ज से बहुत जल्दी खत्म हो जाता, मेरे पास लेफ्टओवर्स नहीं, अगर लेफ्टओवर्स होता तो हाँ शायद एक टर्न और ज़्यादा जल्दी मेरे को मिल जाता, पर नहीं, कर्ज लगने के बाद आराम से खत्म हो जाएगा। रॉक टू मार के भी कोई नहीं है, रैपिड्स में लगा के भी टाइम वेस्ट आना है, तो दो बार स्पाइक मेरे लिए काफ़ी था। अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ, स्वॉर्ड डांस करता हूँ, ठीक है, उसका लगा होगा मैं काउंटर, ठीक है आयरन हेड लगा होगा तो बेचारा काउंटर के साथ खड़ा था, तो नहीं इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, ये आयरन हेड गया गेंगार। अब कौन आता है, जीमू मेरे पास है तो बस मैं चाहता हूँ ग्राउंड खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे डार्क राय के डार्क वर्ड पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो बहुत मिस होता है, मेरा वाला बहुत मिस होता है, लोगों को पता नहीं, मेरे अक्सर 3-4 लगातार मिस होते ही जाते हैं, कभी कभार मिस होता है तो एक साथ 4-5 तक मिस हो जाते हैं,
और नहीं तो कम ही मेरे हिट होते हैं, मतलब ऐसा फील होता है मेरे को, ठाकर नहीं चाहता कि मेरे से वो, मतलब मेरे लिए फंक्शन करना नहीं चाहता। रेस्ट लगा लिया गया सॉफ्टवेयर पे, तो अटैक +4 शायद ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर कोई ना, एक काम करता हूँ मैं जल्दी से गेंगा लेके वोल्वस लगा देता हूँ, क्योंकि रेस्ट लगा लिया गया है तो बैरीज ख़त्म हो चुकी है, तो मैं आराम से बर्न डाल सकता हूँ। और मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा बर्न डालने के लिए, वोल्वस लगा रहा हूँ क्योंकि बर्न डालने के बाद भी ये नहीं मार पाएगा, ये मैंने वोल्वस लगा रही है, मिस, पहला मेरा मिस हो गया मूव। मैं दिखा रहा हूँ आपको इस बैटल में कितने सारे मूव्स मेरे मिस होंगे, बहुत सारे मिस होंगे एक्चुअली। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी बैटल में, सिर्फ एक बैटल में कितने मेरे मूव्स आजकल मिस हो रहे हैं, मेरे आधे से ज़्यादा मूव्स मिस हो जा रहे हैं, एंड टाइम में मिस हो जाते हैं कभी कभार, और जिसकी वजह से मैच बहुत गंदी तरीके से हार जाता हूँ। हाँ, ईजिली जीत रहा होता हूँ फिर हारने लग जाता हूँ। रेस्ट लगा रहा हूँ क्योंकि स्वाम्पर स्लो है मेरे से, क्योंकि उसका ग्राउंड ऑन स्लो था, तो ये तो ऐसे भी चलता हुआ छोटा सा कछुआ है। हाँ, नॉर्मली स्वाम्पर तेज़ नहीं होते, हालांकि मेरा वाला 12-13 K तक का है, पर क्योंकि मैं टोटल स्पीड यूज़र हूँ तो उसमें पहुँच जाता है आराम से। अब मैं फीसा लगा सकता हूँ, पर नहीं, हमें कुछ नहीं लगाना यहाँ पर, वो चीज़ें नहीं करते अभी, सिंपल डार्क लेके आते हैं। मेरे को लग रहा है रेस्ट आएगा, अगर आता है तो बैड्रीम्स रन करेगा और मेरे को आगे आने वाले पोकेमोन को नॉकआउट लगाने का मौका मिलेगा। अगर मैं स्वाम्पर को नॉकआउट लगा देता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा, लेफ्टोपस रहेगा नहीं, तो मैं आराम से धीरे धीरे मार पाऊंगा, क्योंकि वो काउंटर के साथ खड़ा होगा। अगर मैं फिशर से ज़्यादा फोकस मारता हूँ तो एक्सक्यूजेस होंगे कि हाँ फिशर से मार दिया, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता स्टीलिंग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना। एक बार करने की कोशिश की थी, पर ज़रूरत पड़ी तो ड्रैगन टेल लगा के ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि स्पाइक्स गिर चुके हैं, पर फिशर अभी के लिए नहीं लगाना चाहता मैं। ये पड़ा मेरे मारा जी मूव, और ये हुआ बंदा बॉन सो सॉरी स्लीप, तो बैटरीम्स रन कर रहा है, मेरे पर एक फिशर स्लैश पड़ा, पर इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं नॉकऑफ लगाता हूँ, 1000 डैमेज, एक और फिशर स्लैश पड़ा। अब शायद प्रॉब्लम हो जाए अगर मैं टिकता हूँ, क्या पता ख़त्म हो जाए, पर फिर भी मैं काम करता हूँ ना, मोबाइल लेके आता हूँ, जल्दी से एक प्लेयर अप लगा देता हूँ स्वॉर्ड डांस करने के बाद। अभी शायद 2 टर्न्स और बचे होंगे, इसके बाद एक ही टर्न बचा अब, क्योंकि जीमू वाला जो स्लीप होता है मैंने नोटिस किया, वो नॉर्मल टाइप बोर्ड के स्लीप से थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो ये मैंने स्वॉर्ड डांस कर लिया। अब ये फेज लास्ट ख़त्म, अब एक प्लेयर, अब इसका खेल ख़त्म। अब मैं दिखाता हूँ, ये एंड टाइम पे मिस, हक दिया ये मेरे साथ हो रहा है लगातार, ये दूसरा मूव हुआ मिस इसी बैटल में। मैं आपको और भी बहुत सारे दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि दो ही मिस हुए, और कई सारे मिस होंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं स्वॉर्ड डांस कर लेता हूँ, क्योंकि स्वॉर्ड डांस करने के बाद मेरा जो अटैक है वो थोड़ा ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, और अटैक +4 काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि स्लीप टॉक आ रहा है, तो उसके क्या पता शायद फिशर स्लैश आए, पर ना काउंटर आया इस बार स्लीप टॉक पे। चलो ऐसे भी काम बन जाना है मेरे को, बस डार्क रहा लेके आना है, स्लीप लगा देना है और काम बन जाएगा। तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था मैं, तो ये डार्क बोर्ड मैंने मारा, ये तीसरा मिस होता है भाई, 3 मिस हो ही जाते हैं। एक और डार्क बोर्ड लगाता हूँ, और ये भी मिस। अब बताओ मेरे से ज़्यादा अनलकी कोई होगा ना गेम में, तो भाई मेरे को बताना कमेंट में, ऐसा कोई है मेरा, मतलब मेरे जितना अनलकी, आधे से ज़्यादा मेरे मूव्स मिस ही हो जाने हैं भाई, खेल के कोई फायदा है ही नहीं। बहुत ऐसे टाइम्स आते हैं जहाँ पर इजीली जीत रहे होते हो, एक मूव मिस होने की वजह से आप आराम से हार जाते हो। कोई ना, चलो वैसे भी सारी चीज़ें सही है, स्वाम्पर बदला नहीं जा सकता, मैं सलगैलियो लेके बल्क अप कर सकता हूँ, आराम से खत्म कर सकता हूँ। स्टीलिंग्स तो वैसे भी खड़ा रखते हैं उसको बाद में, इमरजेंसी के लिए, कि इनकेस अगर कुछ हो गया कांड सलगैलियो के साथ, तो स्टीलिंग संभाल लेगा। अब देख रहे हो ना नॉकआउट लगाने का फ़ायदा, लेफ्ट ओवर्स होता तो थोड़ा HP रिकवर हो जाता है, तो मैं यहाँ पर जीमू सीधा मार रहा हूँ, गया स्वाम्पर। इतना मैच चलता ही नहीं अगर गेंगार का वोल्वस हिट हो गया होता, ठीक है, अगर वो हिट हो गया या तो, या फिर मोबाइल का प्लेयर अब हिट हो गया तो इतना मैच चलता ही नहीं, कब का खत्म हो जाता, ये तो गंदा ही हो गया। कोई ना, लक है भाई, अब मेरा साथ नहीं देता, मैं क्या करूँ, जो करना होता है खुद करने होता है, लक के भरोसे मैं नहीं रह पाता, मेरा कभी का साथ नहीं देता, वो ऐसा किक मार के भागता है जैसे वो मेरे को जानता ही नहीं, अजनबी हो मेरे लिए टोटल। अभी मैं क्या करता हूँ ना, बल्क अप करता हूँ, क्योंकि एक बार अदगर डाल देने पर तो आराम से 5000 तकरीबन डैमेज पड़ रहा है, क्या पता अगर ये रेस्ट लगा के बार बार उस डियाल्गा को लाए और प्रोटेक्ट लगाए तो खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ एक ही हिट में ख़त्म कर दूँ उस डियाल्गा को, क्योंकि प्रोटेक्ट अगर होगा उसके पास तो मेरा अदगर भी वेस्ट होंगे, रेस्ट भी होगा, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मेरे को इतना नहीं सोचना, मेरे को जल्दी जल्दी एक ही हिट में खत्म करना है, तो उसके लिए थोड़ा अभी से स्टार्ट कर लेता हूँ बल्क वगैरह करना, और जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं देखूंगा बंदे ने स्लीप लगाया, अभी तो नहीं कर सकता, अटैक +4 पे या 6 पे करूँगा, उसके बाद जैसे ही स्लीप पर लगाया मैं खा जाऊंगा, ज़रूरत पड़ी तो भाई फ्लेम चार्ज है उसी से खत्म चलाता रहूँगा। मैंने हर चीज़ के लिए तैयार रखा था सलगैली को, जब मैंने ये मूव से डिसाइड किया था ना, तब मैंने ये सोच कर फ्लेम चार्ज दिया, देखते तो स्पीड भी बढ़ाएगा, ऊपर से इनकेस अगर कोई टॉन्ट लगाता है या फिर तुम्हारी PP खत्म करने की कोशिश करता है, फ्लेम चार्ज तब तक चल जाएगा। 20 PP वाला मूव बहुत सही होता है, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं R2 मूव लगा देते हैं अपने सलगैली पे, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि PP अगर कोई स्टाइल करेगा तो आप वहाँ पर जल्दी से हक दोगे, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर नहीं आपके पास तो आयरन हेड जा सकते हो या फिर फ्लेयर ब्लिट्ज़ जा सकते हो, क्योंकि तब तक ये सही रहेगा जब तक आपका सही मूव नहीं मिल जाता आपको। सनसिल स्ट्राइक इतना खास नहीं होगा, हालांकि बताया लिखा गया कि एबिलिटीज वगैरह नेगलेक्ट करता है तो काइंड ऑफ मोल्ड ब्रेकर जैसा फंक्शन करेगा, पर मेरे को ऐसे कभी नहीं लगा कि काइंड ऑफ मोल्ड ब्रेकर जैसा फंक्शन कर रहा है। हाँ, नॉर्मली कभी कभार ज़्यादा डैमेज दे देता है, पर मेरे को लग मतलब ट्राई करना पड़ेगा शायद कभी, ठीक है।
और वो मोबाइल जो था वो ख़त्म हो गया एक अर्थक्वेक, और ये डियाल्गा भी लेके गया। तो बेटा तू तो सस्ते में निपट गया, हालांकि मेरी किस्मत ने मेरा कहीं भी साथ नहीं दिया, पर मेरे को किस्मत की ज़रूरत नहीं है तेरे अगेंस्ट। तो उसके बाद ये और ये पहले वाला जो बंदा था दोनों कुछ लगते हैं दूसरे के, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या लगता है किसका। ये आया और चला गया, मैंने सुना था बहुत कुछ मेरे बारे में बोला गया था। और ये भी, ये तो भाई अलग ही लेवल के, मतलब ये वो नहीं है जब सोच रहे हो, ये उसका साथ चेला है। तो वो गुरु तू चेला तू सोया और वो छोड़ जाने देते। और ये गया जीमो किंगर गया पॉइजन में। अब मेरा स्लीप पढ़ के क्या हो जाना है, थोड़ी ना कुछ हो जाना है, मेरे पास तो खुद का ही डाल रहा है और वो भी स्लीप लगा सकता है और सॉरी स्टिकी वेब डाल सकता है। अब मैंने स्टिकी वेब डाल दिया, अब मेरा डाल रहा तेज तारे बंदा भाग गया। तो ये एक और नाम आरसी और ये बंदा गया एक और बार फिर से उसी बंदे को, और ये आया और ये गया एक और बार उसी बंदे को, ये फिर आया और फिर गया। तो वो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।